वेलकम टू आवर चैनल तुदुन गायन ब्लॉग। दोस्तों आज एक नया वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं ओमान की राजधानी मस्कट में रहता हूं, करीब 27 साल हो गए। आज का जो टॉपिक है, ओमान में नौकरी के लिए आना चाहिए नहीं चाहिए। बहुत लोग ओमान में नौकरी के लिए मुझे भी बोलता है, कोशिश भी करता है। ओमान का मतलब गल्फ का एक देश, गल्फ में जो 6 कंट्री है, जैसे ओमान है, यूएई है जो दुबई, शारजा, अरब अमीरात, यूएई बोलता है, ये एक कंट्री है। इसके बाद सऊदीया है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, ये जो 6 कंट्री है, ये 6 कंट्री में मिला के गल्फ कंट्री बोला जाता है। ये उपसागरीय कंट्री है, देश है। तो दोस्तों इस देश में ओमान का मतलब ये शब्द मिल, ओमान का जो सिचुएशन है, जैसा सलाड़ी होता है, इसी आसपास का कंट्री में सेम ही होता है। थोड़ा बहुत फर्क होता है, 2-4 हजार का फर्क होता है, बाकी सब सिस्टम रूल्स सब एक ही जैसा है। दोस्तों मैं ये आज ये जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा, इसमें मैं एक डिबेट करूंगा, जैसा हम बताएंगे क्या सही है क्या अच्छा है, इसके ऊपर आप लोग डिसाइड कीजिए कि ओमान में नौकरी करने के लिए नौकरी आना चाहिए नहीं चाहिए, ओमान में या गल्फ कंट्री में जो देश है इनमें आना चाहिए नहीं चाहिए। देखिए पहले एक जमाना था, लोग भर भर के जहाज फ्लाइट भर भर के नौकरी के लिए गल्फ कंट्री में आते थे। आज वो दौर अलग हो गया। उस जमाने में अपना इंडिया का ग्रोथ भी कम था, उस जमाने में थोड़ा पैसे में काम चल जाता था। उस जमाने में इस देश का ग्रोथ अच्छा हो रहा था, क्योंकि तेल उस टाइम आया और अच्छा पैसा उनका डॉलर भर गया, तो अच्छा खासा सैलरी देता था आदमी लोगों को जो नौकरी के लिए आ रहा है। आज का दौर कुछ और है, आज इन लोगों का पैसा थोड़ा कम हो रहा है आस्ते आस्ते। इसका मेन कारण है अभी ये जो कोविड होने के बाद से यहाँ कामकाज ठप हो गया, बहुत कंपनी वगैरह बंद हो गया, बहुत लोग मुल्क चला गया, रिटर्न चला गया। इसके बाद सारे दुनिया में अभी प्रॉब्लम है, इंडिया का ग्रोथ अच्छा हो रहा है, ये बहुत खुशखबरी है, थैंक गॉड बोलना चाहिए। दूसरी बात है अपना देश में भी सामान बहुत महंगा हो रहा है आहिस्ते आहिस्ते। मुझे मालूम है आज से करीब 20 साल पहले जो ताबूक होता है ना, मतलब ईंट ईंट बोलता है, हम लोग घर बनाता है ईंट, ईंट का प्राइस 1000, ईंट का 2000 रुपया कीमत प्राइस था, 1000 ईंट का प्राइस 2000 था। आज ये ईंट का प्राइस 11000-12000 हो गया, मतलब कितना गुना बढ़ गया, 5-6 गुना बढ़ गया, ठीक है। तो सोचिए आज वो सैलरी ऐसा नहीं बढ़ा, 6 गुना बढ़ा नहीं, सैलरी बढ़ा 2-3 गुना हिसाब से बढ़ा। तो ये जो डिफरेंस है, इस वजह से गाल में अभी जो सामान आज दिन के दिन बढ़ रहा है, जैसा हर सब्जी बोलो, हर ये बोलो, हर सामान उसी हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ा। इधर का इधर भी सामान का कीमत प्राइस बढ़ गया। अभी इस बार से जो लोग नौकरी के लिए इधर आता है, कोई कोई 1 लाख भी खर्चा करता है, क्योंकि यहाँ का जो वीजा प्रोसेसिंग का प्राइस है बहुत बढ़ा दिया। जो बिल्डिंग का लेबर में आता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आता है, इनको 300 यूनिट का ऊपर इनका ये हो गया, 300 यूनिट इंडिया का 60-65 हजार गवर्नमेंट का लेते, गवर्नमेंट ले लेता है। उसके बाद फ्लाइट का टिकट है, उसके बाद आप मेडिकल करेंगे इसका है, वीजा प्रोसेसिंग का कुछ प्राइस है, एजेंट का जो खर्चा है, ये सब मिला के बहुत 1 लाख तक चला जाता है। ये सब पैसा लेवल लोगों को बहन करना पड़ता है। कोई कोई एजेंसी कंपनी वीजा का पैसा देता है, लेकिन बाकी खर्चा फ्लाइट टिकट वगैरह देता है, देना खुद को देना पड़ता है। उसके साथ एजेंसी का प्राइस, एजेंसी का जो उसका प्रोसेसिंग प्राइस, उसका फीस, ये सब मिला के वो लाख को करीब जाता है। तो दोस्तों मेरा कहना है ये पैसा उठाने के लिए आप क्या करोगे, इन लोगों को लेबर लोगों में कितना सैलरी मिलता है, 120, इससे ज्यादा मिलता नहीं, 100-120 ऐसा मिलता है। खाना फ्री मिलता है, ठीक है, खाना भी कंपनी का मेस में खाना कितना अच्छा होगा, घर का खाना ऐसा नहीं मिलता। तो दोस्तों खुद खाना बनाने जाएगा तो 30 रियल का नॉर्मली खर्चा है, 30-35 रियल खर्चा हो जाता है। 1 रियल का
218 रुपया भी पकड़ लो, 218 रुपया होता है एक रील का, इस तरह से आप जोड़ लो पैसा कितना होगा। तो दोस्तों मेरा कहने का ये है कि ये सिचुएशन है इधर, इधर का मतलब पूरा गल्फ में ऐसा ही है, डमाडोल सब जगह मिला जुला एक ही ऐसा है। तो मैं ये बोलता हूँ जो लोग इधर लेबर कैटेगरी में आता है तो ऐसा ऐसा खर्चा होता है, इतना सैलरी भी मिलता है ऐसा ही मिलता है, 100-120 में बोला आपको, और इंडिया का हिसाब लगाएगा 26,000, ज्यादा से ज्यादा 26-27 ऐसा सैलरी मिलेगा। तो इसमें खुद का खर्चा भी होता है, इसमें नेट का खर्चा होता है, आप कुछ खाना पीना करेंगे बाहर, कुछ ना कुछ करेंगे, भले ही मेज में खाना खाते हो लेकिन कभी कभी बाहर तो खाना दिल करता है, कुछ सामान वामान खरीदेंगे, कुछ घर का साबुन शैम्पू जो यूज करते हो ये सब खरीदेंगे, कोई नशा करता है तो कोई सिगरेट पीता है, तो कुछ ज्यादा खुद का भी खर्चा होता है 20-25 सेल। तो क्या बचेगा कि आपने कर्जा लेके वो लोग नए नए आता है वो कर्जा कैसे चुकाएगा, घर का खर्चा भी कैसे, घर में फैमिली को देना पड़ता है खर्चे के लिए, तो कैसे करेंगे। तो ये सब बात है कि सैलरी ऐसा होना चाहिए, सैलरी भी कम से कम 50,000-60,000 सैलरी हो तो ठीक है। तो ये सब बात है, इस वजह से मैं ये बोल रहा हूं कि इधर ऐसा हालत है। आप सोचिए आप आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इसके ऑपोजिट में आप अगर कोई यूरोप कंट्री जाओ या किसी और कंट्री, यूरोप कंट्री रशिया जाओ या कोई और कंट्री में, अभी ओपन हो गया, पहले जब ओपन नहीं था अभी बंद हो गया, अभी इजी हो गया, थोड़ा खर्चा ज्यादा होता है, दूर कंट्री है, फ्लाइट का टिकट ज्यादा है, एजेंट का फीस ज्यादा है, सैलरी ज्यादा है, तो इस सबसे बाहर कंट्री भी एक अपॉर्चुनिटी हो रहा है हमारा देश के लोगों के लिए, क्योंकि अपना देश का अभी थोड़ा गुडविल अच्छा है, पूरा दुनिया में इंडिया का थोड़ा गुडविल है, जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश छोड़ के मैं क्लियर बोल रहा हूँ, अभी का जो हालत है इस देश छोड़ के बाकी सारे दुनिया में इंडियन लोगों को थोड़ा अच्छी नजर में देखा जाता है। तो इस सब देश में अपॉर्चुनिटी है, यहाँ काम काज का लोग जरूरत पड़ता है, तो इस सब देश में भी बहुत अच्छा अच्छा सैलरी देता है, लाखों में सैलरी देता है। आप कुछ दिन पहले आप सुना होगा इसराइल में लोग जा रहा था, अभी सुना है कुछ दिन में रशिया भी 1-1.5 लाख लोग लेगा। इसके अलावा यूरोप कंट्री में भी इंडियन लोगों के लिए अभी अपॉर्चुनिटी है, जो लेबर लोग पहले ऐसा नहीं था, लेबर लोगों का कोई उतना अच्छा नहीं था, लेबर का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो काम करता है, वेल्डिंग का, वेल्डर का, या दूसरा क्लीनिंग काम करने वाला, कुक का, इन लोगों का अपॉर्चुनिटी पहले उतना नहीं था। आज पहले क्या था, हाई क्वालिटी जो होता है, यानी हाई प्रोफेशनल जैसा अच्छा पढ़ा लिखा लोग होता है जो MBA करता है, BTEC ग्रेजुएशन के बाद, इन लोगों का अच्छा अच्छा जॉब मिल रहा है, अब यह IT में था, अभी लेवल लोग में ले रहा है, तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो आप लोग डिसाइड कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बोला, मैं सिचुएशन बोल दिया, यहाँ अभी ऐसा हालत है अभी यहाँ। और एक बात है, अभी जो ड्राइवर लोग पहले बहुत ज्यादा था, अभी क्या हुआ, यहाँ का लाइसेंस वाला लोग लेता है। अब अगर गल्फ का भी लाइसेंस वाला है तो आपको वो लोग जल्दी इसे चेंज करना पड़ता है, लेता नहीं, सैलरी कम देता है गल्फ का, जिस कंट्री का भी आपके पास लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट ड्राइवर के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये लोग भी यहाँ चेंज करता है, ये लोग नया होता है ना इस देश में, वो नया है, समझो कोई दुबई में या कोई सऊदी से या कोई कुवैत में या कतर से अभी इधर आ रहा है, उसको तो ड्राइविंग लाइसेंस है, वो यहाँ चल जाता है, चेंज हो जाता है, तो उनको क्या होता है, नया होता है वो, उसको थोड़ा सैलरी कम दिया जाता है, कितना देता है, 160 देता है, 170 देता है, इससे ऊपर देता नहीं। तो दोस्तों फिर भी अगर उसको कोई यहाँ का लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए तो उसको पहले प्रायोरिटी देता है, कि उसको यहाँ का सारे रोड मालूम होता है ना, इस वजह से सैलरी उतना नहीं देता, सैलरी यहाँ अच्छा सैलरी दिया, 250 रियल सैलरी दिया तो ठीक है, या 170-180 इससे ऊपर ज्यादा नहीं। तो दोस्तों मेरा कहना यह बात है, इससे अच्छा आप दूसरा यूरोप में जाओ, उधर ड्राइविंग करो, अच्छा 1,60,000-1,70,000 उसका सैलरी मिलेगा, खर्चा थोड़ा होता है लेकिन मिलेगा सैलरी, जो सैलरी मिलेगा आपको 3-4 महीने में पैसा उठ जाता है। तो इधर क्या होगा, इतना खर्चा करके आओगे, 1 लाख खर्चा करके आओगे, इतना सैलरी देगा तो क्या होगा, क्या फायदा, यहाँ सैलरी भी देता है 170-180, कितना होता है 170-180, 18 दुगुने 36 180 होगा तो नहीं 36-37-38,000 रुपया सैलरी है, खर्चा भी होता है ना। तो ये बात है दोस्तों, आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना चाहिए, कौन सा देश में जाना आपके लिए बेहतर है,
आप लोग डिसाइड करो, मैं कुछ नहीं बोला, मैं आपको सामने फैक्ट उठा के दिया। आपको कोई भी वीडियो में ऐसा नहीं बोलेगा, सब बोलेगा हाँ सब अच्छा 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 है, लेकिन अच्छे के अंदर भी बुराई होता है जो लोगों को मालूम होता है लेकिन बोलता नहीं था। तो मैं आपको खुला बोल दिया कि ये सिचुएशन है गल्फ देश में, आपको जो सैलरी देता है आपका फैमिली खुश नहीं रहेगी, आपका टाइम वेस्ट होता है क्योंकि आपने इधर 2 साल तो नहीं रहेंगे ना, आपको रहना ही पड़ेगा क्योंकि आप कर्जा, हर घर में हर टाइम मुसीबत रहता है। आज घर में कोई किसी का शादी है, घर में कोई बीमार पड़ गया है, आपको घर बनाना है, आपको बच्चों का पढ़ाई करना कराना है, आप भी कोशिश करेंगे आज थोड़ा अच्छा पढ़ाई कराए, इंग्लिश मीडियम बच्चे लोगों को पढ़ाए, ऐसा सोचेंगे ना, क्योंकि अभी का हालत ऐसा है कि अगर इंग्लिश मीडियम बच्चों को नहीं पढ़ाया तो बेकार, कोई पढ़ाने का फायदा नहीं है, उसको अच्छा जॉब मिलेगा नहीं फ्यूचर में। तो दोस्तों ये सब के लिए खर्चा होता है, तो आप अगर लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हो तो अच्छी जगह करो, मेरा कहने का मतलब ये है। दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं रखता हूँ, आप डिसाइड करिए क्या करना चाहिए, रखता हूँ मैं, और आप लोग सारे अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जिसको मालूम नहीं है उसको भी थोड़ा मालूम हो जाए नॉलेज के लिए कि ये सिचुएशन है ऐसा करना चाहिए। और लास्ट तक आप लोग वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू मैं बोलना चाहता हूँ, सबको थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि आप लोग सब खुश रहे, दिमाग से काम कीजिए हर काम, और आप लोग कोशिश कीजिए कि हर काम सब जांच पड़ताल करके करें, ठीक है। लास्ट में यही बोलूं, मैं इंडियन हूं तो इसलिए जय हिंद।